वेलकम इन NSQF IT क्लासेस। पहला जो टॉपिक हमने किया था वो टेम्पलेट्स के बारे में था। जो आज का टॉपिक वो है वो हमारा एनवेलप्स के बारे में है। तो एनवेलप होते क्या हैं? एनवेलप क्या होते हैं? कवर पेज होता है, एक कवर पेज ऑफ ए ए लेटर की। जो लेटर का फर्स्ट जो कवर पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? एनवेलप बोलते हैं। जो डिफरेंट साइज में होते हैं, एनवेलप्स अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। सो फर्स्ट वन, नाउ हाउ टू प्रिपेयर एनवेलप्स। तो कैसे तैयार करोगे? तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करें एंड देन उसके बाद कहाँ पे जाओगे? गो टू द इंसर्ट। इंसर्ट में जाके एक ऑप्शन आता है एनवेलप। एनवेलप में फर्स्ट वन वी शो ए डायलॉग बॉक्स, कि हमें डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है जिसके अंदर तीन टैब ऑप्शन है, एनवेलप, फॉर्मेट और प्रिंटर। तो पहले कहाँ पे क्लिक करोगे? एनवेलप के अंदर। एनवेलप में हम दो चीज़ें देख रहे हैं, एक तो एड्रेस होता है एड्रेसी का और एक सेंडर एड्रेस होता है। एड्रेसी का एड्रेस मतलब जिस बंदे को हम भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो बंदा भेज रहा है, जो सेंडर है, उसका एड्रेस असाइन कर सकते हैं सेंडर के अंदर। तो हम यहाँ पे जैसे एड्रेसेस का एड्रेस असाइन कर देते हैं, हाउस नंबर डाल देते हैं सपोज करिए। तो हाउस नंबर जैसे आपने कोई भी हाउस नंबर असाइन कर दिया यहाँ पे, देन आफ्टर एड्रेस असाइन कर देते हैं कि एड्रेस क्या है, नियर गवर्नमेंट स्कूल कोसली, ठीक है। एंड द सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस वी असाइन सपोज विलेज, एंड गो टू द विलेज नेम। अगेन हाउस नंबर वगैरह जो भी आपको डालने हैं वो डाल सकते हैं। इफ़ यू असाइन द सम ऑप्शंस लाइक फॉर्मेट, गो टू द फॉर्मेट। इन द फॉर्मेट ऑप्शन वी असाइन द पोजिशन ऑफ एड्रेसिस और सेंडर। अगर आपको लगता है कि चीज़ें सेम है तो आप इसको सेम रख सकते हैं, अदरवाइज चेंज करना चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे एड्रेसेस की पोजीशन चेंज की जा सकती है यहाँ से। तो ये अप बटन है, ये डाउन बटन है, यहाँ से आप एक एक पॉइंट करके इसके एड्रेसेस का एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रीव्यू देखेंगे तो इसका प्रीव्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें वो आपको अपने आप कम और ज़्यादा होता हुआ शो हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर अगर हम प्रिंट ऑप्शन यूज़ करते हैं तो प्रिंटर के अंदर हमारे पास ऑप्शन है, हम प्रिंट फ्रॉम टॉप, हम टॉप से प्रिंट कर सकते हैं, और कहाँ से प्रिंट कर सकते हैं? बॉटम से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। देन अगेन असाइन, जैसे प्रिंट फ्रॉम टॉप है तो टॉप ही डाल दीजिए यहाँ से। एनवेलप पे दोबारा क्लिक करिए यहाँ से। नाउ हमारे पास दो ऑप्शन हैं, न्यू डॉक्यूमेंट और इंसर्ट। तो न्यू डॉक्यूमेंट्स पे हम उस जो भी आपने यहाँ पे लिखा है उसे एक नए डॉक्यूमेंट पे ये चीज़ें असाइन हो जाती हैं, जैसे एड्रेसेस का एड्रेस और सेंटर का एड्रेस। देन क्लिक ऑन द न्यू डॉक्यूमेंट। नाउ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे विलेज आ गए, यहाँ पे ये सेंडर का एड्रेस है। हम यहाँ से भी इस पर क्लिक करके इसको साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो एड्रेस हमारे पास से हो रहा है, ये किसका एड्रेस आ गया? यहाँ पे एड्रेसेस का एड्रेस आ गया जिसको हम ये मैसेज भेजना चाहते हैं। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है अबाउट एनवेलप के बारे में। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया कि उसकी आप प्रैक्टिस करें। ओके।